Guys, today you will get one pack, a many pack of GitHub student benefits. So, आज आप GitHub के पैक लेंगे वो भी एक फ्री, तो एक बेहतरीन ट्रिक से. तो आज वो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा. ठीक है, चलो उसकी तरफ चलते हैं. आपने एक ईमेल बनानी है, जैसे कि ईमेल मैं बना रहा हूँ. देखिए, आपने गूगल पे के प्ले स्टोर पे आपने क्या करना है, ईमेल बनानी है. तो वो ईमेल आपको बनानी है अपने नेम से, अपनी पर्सनल यूज़ के लिए. सो देखें, उसका आपने क्या करना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम बनाना है. तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बाद आपने डेट ऑफ बर्थ रखनी है, जो कि आपकी 2000 से ज़्यादा एंड 2005 से कम होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है. उसके बाद जो है मेल एंड फीमेल, आपकी जेंडर यानी सिलेक्ट करनी है, आपने कस्टमाइज करनी है जेंडर को. उसके बाद आपने एक यूज़र नेम सेलेक्ट करना है. जैसे कि आप जानती होंगी कि प्ले स्टोर कैसे बनाई जा सकती है, तो वो आप उसी वही क्राइटेरिया है, सेम क्राइटेरिया है प्ले स्टोर का बनाने का, क्योंकि मैं सेम ही पहले आपको प्ले स्टोर बना के उसके बाद मैं आपको गेटअप पैक ले के दिखाऊंगा. ठीक है, उसके बाद यूज़र नेम सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, एक पासवर्ड सेलेक्ट करना है. याद रखना है कि पासवर्ड आपका स्ट्रांग होना चाहिए, और वो आपने नोट करना है, कहीं आपको ये रिमेंबर ना हो यानी मिस हो जाए, आपने ये याद रखना है अपना पासवर्ड्स. उसके बाद आपने ईमेल आपकी आपने बना ही ली, यानी आप ईमेल अब बन ही चुकी है. तो उसके बाद क्या करना है, मैं ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, मैं प्ले स्टोर में उसको ऐड कर रहा हूँ, कीप इन कर रहा हूँ प्ले स्टोर के अंदर. उसके बाद वो सर्विसेज में ऐड हो चुकी है. उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रोम को ओपन करेंगे. तो क्रोम ब्राउज़र या फायरफॉक्स ब्राउज़र आपने ओपन करनी है. उसके बाद क्या करना है, आपने GitHub स्टूडेंट पैक लिखना है, डेवलपर पैक. सो उसके ऊपर आपने क्लिक करना है. जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसका साइन इन एंड साइन अप क्राइटेरिया आपको दिखाई देगा. तो आपने क्लिक करना है साइन अप पे. सो साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको स्टूडेंट्स एंड टीचर्स का बेनिफिट्स दिखाई देगा. चलो नीचे स्क्रॉल करते हैं. ठीक है, आपको गेट स्टूडेंट बेनिफिट्स पे आपने क्लिक करना है. उसके बाद आपने क्या करना है, एक ईमेल देनी है. उसके बाद आपने क्या करना है, पासवर्ड. अगर आप नहीं है तो आप साइन अप नहीं आपने करना है. आपने क्या करना है, एक ईमेल देनी है जो कि न्यू हो, आपने अभी प्ले स्टोर पे बनाई ना, हमने वही देनी है, यानी आपने वही देनी है जो आपने प्ले स्टोर पे बनाई होगी. सो जैसे आप वो देंगे, आपको एक आगे वाला प्रोसेस पूछेगी. चलो मुझे याद नहीं है, मैं देता हूँ उसे. ठीक है, मैं देता हूँ ZA0359573. ठीक है, जैसे मैं देखूँगा ZA0359573. ठीक है, दोबारा देखता हूँ उसे प्ले स्टोर के अंदर. 0359573. उसके बाद आपने क्या करना है, जीमेल का जो आप पीछे वाला जो हिस्सा होता है gmail.com, तो आपने लगा लेना है. उसके बाद आपने पासवर्ड क्रिएट करना है, वो भी स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए आपका. ठीक है, मैं जैसे कर रहा हूँ Zulfiqar Khan $1. तो आपका ये देखें ग्रीन कलर का यानी कंटिन्यू का ऑप्शन आ गया. तो उसके बाद आपने क्या करना है, एक इंटर यूज़र नेम जो कि आपके अवेलेबल होना चाहिए. यूज़र नेम Zulfiqar इज़ नॉट अवेलेबल. देखिए, मैं अवेलेबल जो होगा तो ग्रीन दिखाई देगा आपको, कंटिन्यू. सो आपने कंटिन्यू करना है. उसके बाद आपने क्या करना है, कैप्चा सॉल्व करना है. कैप्चा की डायरेक्शन याद रखना है, फिंगर की तरफ हो, जहाँ फिंगर्स हैं तो उसकी तरफ हेड, अगर कार का हेड तो वो उस फिंगर की तरफ होना चाहिए. ठीक है, अगर मैं जैसे देखें मैं कर रहा हूँ, ठीक है, फिंगर्स तरफ. ठीक है, सबमिट करना है आपने. उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट करेंगे. जैसे ही सबमिट करेंगे वो बिल्कुल करेक्ट आपको दिखाई देगा कि वो टिक हो जाएगा ग्रीन कलर का. सो आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है. जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक कोड भेजा जाएगा उसी ईमेल पे जो आपने ईमेल दी है. ठीक है, आपको जीमेल पे जाना है. जीमेल पे जाकर आपको वही फाइंड करना है. सो आप जैसे हम जाएंगे जीमेल पे, देखिए हम जाते हैं. ठीक है, ZA0059573, इसको हम देखें कोड आ चुका है. ठीक है, हम इसको कॉपी करते हैं. ठीक है, हमने कोड को कॉपी किया. जैसे कोड को कॉपी किया, देखें कोड कॉपी हो चुका है. उसके बाद उस कोड को हमने पेस्ट, अगर आप पेस्ट करेंगे तो पेस्ट नहीं होगा,
आपने क्या करना है, सिलेक्ट वाइज आपने लिखना है यानी राइट करना है, जैसे 45207 एक एक करके लिखा है मैंने, जैसे आपने ये डिजिट्स लिख लेने हैं यानी कोड लिख लेना है जो गिटहब ईमेल पे आया हो। उसके बाद आपने सिलेक्ट करना है जस्ट एंड जस्ट मी एंड स्टूडेंट पे। उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करके आपने कंटिन्यू एंड कंटिन्यू फॉर फ्री पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपका गिटहब बन चुका है। आगे हैं गिटहब की प्राइवेसी एंड गिटहब के अंदर क्या क्या जो है करना चाहिए, गिटहब को प्रोफाइल, गिटहब की प्रोफाइल या पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन आपने करना है उसके अंदर। सो हम करते हैं उससे पहले, चलो ठीक है, हम देखते हैं गिटहब प्रोफाइल है हमारी, तो उसके बाद गिटहब पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन, चलो हम करते हैं पासवर्ड एंड ऑथेंटिकेशन। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे कि आप पहले भी यूज़ किए होंगे ऑथेंटिकेटर, उसमें की लगानी पड़ती है, उसके बाद वो जो ऑथेंटिकेटर होता है कोड बना के देता है, कोड जनरेट करके देता है। ठीक है, हम ऑथेंटिकेटर में जैसे ही कोड लगेंगे तो उसके बाद हमें कोड रिसीव होगा आप, उसके बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है, उसके बाद कैंसिल करना है। ठीक है, कैंसिल होने के बाद आपने डन पे क्लिक करना है, ग्रीन कलर का डन। तो उसके बाद आगे वाला जो काम है वो है प्रोफाइल पे। ठीक है, प्रोफाइल पे हम करेंगे। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर हम क्या करेंगे, एक अच्छे तरीके से नाम लिखेंगे, जो स्पेलिंग उसकी तमाम गुड होनी चाहिए, जिसका जिस नेम से कार्ड बना हुआ है। अगर हमारा कार्ड जुल्फकार के या मोहम्मद यूनिस के नाम से बना हुआ है तो वही नाम लिखना है जिस नाम से कार्ड बना हो, तो वही स्पेलिंग का आपने माइंड रखना है, ध्यान रखना है उसके अंदर। तो उसके बाद अपने बायो देनी है, उसमें उसके अंदर आपकी कैटेगरी लिखनी है, यानी बायो के अंदर ये लिखना है कि आप कौन सी नॉलेज रख रहे हैं, यानी कौन सी नॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। सो मैंने लिखा है मैंने मेडिकल फील्ड फॉर लर्निंग पर्पस। सो उसके बाद ये लिखकर आपने क्या करना है, अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने एक और काम करना है, जो कि बिलिंग एंड प्लान्स पे आपने पेमेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। वो कैसे देंगे, ठीक है, हम देते हैं, वो है नेम, आपने एक नेम देना है। ठीक है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम देना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। उसके बाद आपने एड्रेस देनी है, पीओ बॉक्स कंपनी नेम, यानी एड्रेस आप देंगे अपने पोस्टल ऑफिस की। उसके बाद आपने दूसरी जो एड्रेस देनी है वही पोस्टल ऑफिस एंड आपका जो आगे वाला जो सिंध है प्राविंस, जैसे मैं प्रोविंस मेरा जैसे सिंध है, आपका जो प्रोविंस है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आप अपनी एड्रेस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने प्रोविंस देना है, प्रोविंस देने के बाद आपने पोस्टल कोड देना है, वो अपनी सिटी का होना चाहिए जो सिटी आपने सिलेक्ट की है। उसके बाद आपने सेव करना है, जैसे ही सेव करेंगे उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो बेहतरीन गिटहब जो है आपका बिल्कुल यकीनन बन चुका है। आगे जो है गिटहब जो पेक है वो कैसे ले सकते हैं, तो आगे वाली बात हम बताते हैं आपको। ठीक है, आपने फिर से गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पेक आपने क्या करना है, सर्च करना है, फिर उस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आपने साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे आपको ग्लोबल कैंपस का दिखाई देगा, आपने उस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पूछा जाएगा आर यू स्टूडेंट, यस करके आपने क्या करना है, जैसे यस करेंगे आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा टीचर एंड स्टूडेंट का। ठीक है, तो उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपसे कुछ रिक्वायरमेंट्स पूछेगा, तो आपने एक ईमेल को आपने वही ईमेल को आपने सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे अपना स्कूल पूछेगा जो आपके नियर होना चाहिए। उसके बाद जैसे सबमिट करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपने क्या करना है, अपना प्रोफाइल जनरेट करना है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी अपलोड प्रोफाइल पे जो है टेक फोटो करना है। जैसे मेरा जुल्फकार अली नाम है तो मैं कार्ड भी उसी नाम से अपलोड करता हूँ। ठीक है, वो कार्ड देखें, अभी टेक का पिक्चर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। जैसे आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स मांगेगा, अलो आपने करना है, एक्सेस आपने अलो करना है। ठीक है, वो उसके बाद देखें लैपटॉप पे आपने करना है, सिर्फ लैपटॉप पे आपने इमेज को ओपन करना है। जैसे इमेज को ओपन करेंगे तो फेस कैमरा होता है मोबाइल का, वो लैपटॉप की तरफ होना चाहिए जैसे मैंने किया हुआ है। तो उसके बाद आपने पिक को टेक अ फोटो कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, एक
और कंडीशन है, टाइप स्कूल की आपने डेटेड आईडी स्कूल का आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोसेस माय एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे प्रोसेस माय एप्लीकेशन करेंगे, आपको एक और सरफेस दिखाई देगा, आपको एक स्क्रीन के अंदर एक नए नमूने का अंदाज दिखाई देगा, थैंक्स फॉर सबमिटिंग। इसका मतलब आपकी एप्लीकेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड की गई है, आपने कुछ टाइम वेट करना है, उसके बाद आप देखेंगे आपका अप्रूव्ड हो चुका है, यानी इसका मतलब आपको मिल चुका है,